बात, सुबह सुबह दूध और बिस्कुट खाने के बाद मैं अपनी ट्रक वाली साइट पे जा रहा था। डिलीवरी के लिए आज काफी सारे ऑर्डर्स आ गए थे, तो एक बार सारे ट्रक्स का इंस्पेक्शन करके आना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैं काफी तेज रफ्तार से अपनी बाइक को भगाते हुए साइट की तरफ जा रहा था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे ऊपर किसी ने नजर रखा हुआ है। जब मैं बस स्टैंड की तरफ से जा रहा था, इतने में पीछे से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो मुझे हॉर्न मारते हुए मेरे बाजू में आ गई। उसे साइट देने के लिए मैं बाजू में हट गया, पर वो स्कॉर्पियो वाला लगातार हॉर्न बजाया जा रहा था, और ऐसा करते करते स्कॉर्पियो वाले ने अपनी गाड़ी को फट से मेरे सामने घुमा दिया। ये देखते से फटक से मैंने अपनी बाइक के ब्रेक लगा दिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी स्प्लेंडर स्कॉर्पियो से जा टकराती है और मैं लगभग 3 सेकंड के लिए हवा में था। इंपैक्ट काफी ज्यादा भयंकर था और उसके बाद मैं सीधा नीचे आ गिरता हूँ। वो तो शुक्र था कि मैंने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए मुझे ज्यादा चोट नहीं आती और मैं उठ जाता हूँ, लेकिन छोटे मोटे करोच मेरे चेहरे पे जरूर आ जाती है। मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया था। मैंने अपना हेलमेट उतारा और स्कॉर्पियो वाले को बोलने लगा, अबे ओ गधे पागल है क्या, तेरी वजह से देख मेरा क्या हाल हो गया, अब तू भरेगा मेरे बाइक के पैसे, चल बाहर निकल। मेरे इतना बोलते ही गाड़ी से दो लोग उतरते और ये कोई और नहीं बल्कि मावेश के गुंडे थे, और वो मुझे बोलने लगते, क्यों रे तुझे कितनी बार बोला है कि बॉस का फोन कभी भी इग्नोर मत करना। मावेश द बॉस ने तेरे को याद किया है, चुपचाप से हमारे साथ चल। इन दोनों को देख के मैं समझ गया था कि मावेश फिर से अपना कोई ना कोई काम मुझसे करवाना चाहता है। चल चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, वरना उसके बाद तू जानता है क्या होगा। मावेश की गुलामी करते करते मैं थक गया था, इसलिए मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि मैं इसका कोई भी काम नहीं करूंगा, और अब तो मेरे पास पैसा और पावर दोनों है, तो मैं उन दोनों को बोलता हूँ कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा और वहाँ से जाने लगता हूँ। ये देख के मावेश का पंटर मुझे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे एक जोरदार किक मारता हूँ और 2-4 मुक्के मार के उसे सुला देता हूँ। पर ये देख के मावेश के दूसरे वाला पंटर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एकदम मुझसे लड़ाई के लिए भिड़ जाता है। मावेश का ये पंटर भले ही दिखने में थुलथुला था, लेकिन मुझे बहुत तगड़ी फाइट दे रहा था। तेरी तो साले कुत्ता, तेरी तो हट हट साले, बाप रे कुत्ते। इस तुलतुले से फाइट करके मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो मैंने फटक से भागते हुए एक स्पेयर दे दी, और इसके बाद मावेश के उस पंटर का तो बुरा हाल हो गया था। मैंने इन दोनों को अच्छे से अब ठिकाने लगा दिया था, और ये लोग मुझसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। उस मावेश ने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन आज मैंने जिम जाके मैंने बॉडी यूं ही नहीं बनाई थी। अरे बाप रे, तू रोमन रिंग्स की औलाद है क्या। फिर मैंने उसके बाद अपने गिरी हुई स्प्लेंडर को उठाया और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, पर एक्सीडेंट की वजह से शायद उसमें कुछ डैमेज आ गया था और वो स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने किक और सेल्फ दोनों से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरी स्प्लेंडर आखिरकार स्टार्ट हुई नहीं, तो फिर मैंने अपने बाइक को वहीं पे छोड़ दिया। और अब मैं सोच रहा था कि टैक्सी करके ट्रक वाली साइड पे पहुंच जाता हूँ, और काम होने के बाद मैं स्प्लेंडर को वापस लेके जाऊंगा यहाँ से। तो यही सोच के मैं टैक्सी की तलाश करने निकल पड़ता हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद फाइनली मुझे एक टैक्सी दिखाई देती है। मैंने देखा कि बिल्कुल रोड के साइड में एक ओला टैक्सी खड़ी हुई है। अब इससे पहले कि टैक्सी में कोई और कस्टमर बैठ जाता है, मैं फटाफट भागते हुए उस टैक्सी के पास पहुंच जाता हूँ और गाड़ी में बैठ के ड्राइवर को बोलता हूँ कि जल्दी जल्दी पठानपुरा ले चलो। पर मेरी ये बात सुनकर ड्राइवर लगता है, पठानपुरा तो नहीं जाएंगी साहेब। अरे भाई ये क्या बात हुई, दुगने पैसे दूंगा तुमको, लेके चलो ना पठानपुरा। अब मैं ड्राइवर से इस बात पे बहस कर ही रहा था, तभी मुझे सामने से आवाज आती है, पठानपुरा तो नहीं जाएंगी रे, अभी जहाँ जाएंगी वो है तेरी मौत का पूरा। और ये आवाज सुन के मैं हैरान हो गया था, उस टैक्सी के अंदर ऑलरेडी मावेश बैठा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और देखते ही देखते मावेश के दोनों पंटर मेरे बाजू में आके बैठ जाते हैं। अरे साला गाड़ी निकालो रे। और फिर उसके बाद ये लोग मुझे लेके वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे थे मुझे इस बात का कुछ भी अंदाजा नहीं था, और मावेश ने मेरे ऊपर गन तान दी थी और मुझे बोल रहा था, आजकल तू बहुत ज्यादा बागी बन गया है रे, चुपचाप से जो बोलता है वो कर, वरना तू और तेरे दोनों बिजनेस में खत्म कर दूंगा रे, सब पता है रे मुझे। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था अपने बिजनेस को बचाने के लिए, तो मैं इसके बाद मान लेता हूँ। और फिर मावेश मुझे अपना प्लान बताने लगता है, और पूरा प्लान मुझे रास्ते में समझाने के बाद वो मुझे अपने घर छोड़ देता है। मावेश का इस बार का प्लान कुछ ज्यादा ही भयंकर था। वो चाहता था कि मैं इस बार मिलिट्री बेस से उसके लिए एक टैंक चुराऊं, जो कि अभी तक का मेरे लिए सबसे भयंकर काम था। मैंने बैंक रॉबरी की, रैम चैलेंज किए, मुर्दों की नगरी में गया, पर अभी तो मुझे सीधा मिलिट्री बेस से टैंक चुराना है। मैं काफी डर रहा था, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि अगर मैं मावेश की बात नहीं मानता तो वो मेरे बिजनेस बर्बाद कर देता। अब क्योंकि मुझे इस काम को करना ही था, तो मैं रात भर बैठ के प्लान बनाता हूँ, और अगली सुबह मैं अपने दो भरोसेमंद दोस्तों को बुला लेता हूँ। एक था मेरा कैंपर वाला दोस्त और एक था मेरा हैकर दोस्त, और यही दोनों वो बंदे हैं जो मेरा इस काम में साथ दे सकते हैं। आते बराबर ही वो लोग मुझसे बोलने लगते हैं, भाई इतने सुबह सुबह कैसे याद कर लिया, नाश्ते के लिए तो तूने बुलाया नहीं होगा, तो सही से बता बात क्या है। मैं उन दोनों को अपनी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूँ और बोलता हूँ कि अपने को मिलिट्री बेस में जाके टैंक चुराना है। और इतना सुनते ही मेरा हैकर दोस्त बोलने लगता है, अबे तू पागल वागल है क्या, मिलिट्री बेस से टैंक चुराऊंगा, अबे तेरा दिमाग सट गया है, मेरे को मत बुलाया कर ऐसे कामों के लिए, मैं जा रहा हूँ। अपने हैकर दोस्त को मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि इस मिशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो मैं उसे बोलने लगता हूँ, कोई बात नहीं भाई तू जा सकता है, लगता
लगता है मुझे किसी और अच्छे हैकर को बुलाना पड़ेगा। और मेरी बस इतनी सी बात सुनके उसका ईगो हर्ट हो गया और वो मुझे बोलने लगा, मुझसे बेस्ट हैकर यहाँ पे कोई नहीं है। तो मैं उसे बोलता हूँ अगर तू बेस्ट है तो मेरा साथ दे और साबित करके बता। तो इसके बाद वो मान जाता है और फिर उसके बाद हम लोग प्लानिंग करते हैं। उन दोनों को मैं सारी की सारी चीजें समझा देता हूँ और अब हम लोग तैयार थे मिलिट्री बेस से टैंक को लाने के लिए। अब अगले दिन सुबह से ही हमारा प्लान शुरू हो गया था और मैं मास्क पहन के आ गया था अपने शहर के फायर स्टेशन की तरफ। हमारे प्लान को अंजाम देने के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे फायर फाइटर की ट्रक चुराना था, पर वो लोग बिल्कुल वहीं पे खड़े हुए थे और दिन दहाड़े चोरी करना आसान नहीं होगा। पर ट्रक को यहाँ से चुराने के लिए मेरे पास एक प्लान था। मैं अपने साथ लेके आया था टॉय गन जो बिल्कुल रियल जैसी दिखती थी और उस टॉय गन को लेके मैं सीधा भागते हुए पहुंच गया उन फायर फाइटर्स के पास। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते मैंने सीधा उनके ऊपर गन तान दी और मैं उन दोनों को बोला, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अब चलो जल्दी से साइड में मुर्गा बन जाओ। अरे भाई तू पागल वागल है क्या? अरे देखो बाबू राव ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करना। चुपचाप मुर्गा बनो वरना तुम्हारे अंदर सारी गोलियां उतार दूंगा। चुपचाप मुर्गा बनो। थोड़ा चिल्ला के बोलने पे दोनों मेरी बात मान जाते हैं, रोड के साइड में मुर्गा बन जाते हैं। अरे बाबा गोली मत चलाना, बाबा गोली मत चलाना। ए, बिल्कुल जगह से मत हिलना, बिल्कुल नहीं। और अब ये मौका मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं फटाफट ट्रक की तरफ जाता हूँ, दरवाजा खोल के फटाफट ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ और जल्दी से ट्रक को स्टार्ट कर लेता हूँ। सारे सायरन वगैरह के बटन चालू कर देता हूँ और एक्सेलरेटर देकर ट्रक को यहाँ से लेके निकल पड़ता हूँ। ओ नहीं, वो तो ट्रक लेके चला गया जी। अब उन क्या करेंगे? पहले मैं दो नंबर कर लूँ फिर बताऊंगा। अब प्लान का पहला पड़ाव सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था। मैंने फायर ट्रक चुरा लिया था और मैं ट्रक को लेके सीधा मिलिट्री बेस की तरफ निकल पड़ता हूँ। और मिलिट्री बेस पहुँचने के बाद मुझे अपने प्लान के दूसरे पड़ाव को अंजाम देना था। अब जब मैं मिलिट्री बेस से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, मैंने अपना ट्रक को साइड में पार्क कर दिया और अपने होलिया भी चेंज कर लिया। मैं भी एक फायर फाइटर ही लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपना फोन निकाला और अपने हैकर दोस्त को कॉल कर दिया और मैंने उसे बोल दिया कि प्लान का सेकंड फेज स्टार्ट करो। ठीक है भाई, मैं सेकंड फेज स्टार्ट कर रहा हूँ। इतना बोल के मेरा दोस्त अपने हैकिंग स्किल्स दिखाना शुरू कर देता है। मिलिट्री बेस पे एक हेलीकॉप्टर ड्रोन खड़ा हुआ था जिसे मेरे दोस्त ने हैक करके अपने कब्जे में ले लिया था और वो हेलीकॉप्टर ड्रोन को स्टार्ट कर देता है। ड्रोन कंट्रोल में आने के बाद मेरा दोस्त इस ड्रोन को फ्लाई करता है और उसे सीधा लेके चले जाता है हाइड्रा के बेस की तरफ। उसके बाद वो हाइड्रा जेट की तरफ अपने ड्रोन की मिसाइल का निशाना लॉक कर देता है और फिर वो शूट कर देता है पूरे के पूरे गोलियां हाइड्रा के ऊपर, जिसकी वजह से हाइड्रा पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और उस बेस में आग लग जाती है। हाइड्रा का बेस धू धू करके जल रहा था और यहाँ पे टावर में बैठे मिलिट्री के लोगों को इस बात की खबर पड़ जाती है। सर्जन, हाइड्रा के बेस में आग लग गई है। हाँ मैंने देखा। हेलो फायर ब्रिगेड, जल्दी से पहुंचो, यहाँ पे आग लग गई है। अब थैंक्स टू माय हैकर फ्रेंड, ये वाला कॉल भी मेरे पास ही आता है और इसी बात का तो मुझे इंतजार था। अब मैं फटक से अपना ट्रक स्टार्ट करता हूँ और मिलिट्री बेस की तरफ निकल पड़ता हूँ। हमारा पूरा प्लान अब सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहा था। मिलिट्री बेस में घुसने का ही सबसे बढ़िया तरीका था, ड्रोन को हैक करके हमने हाइड्रा के बेस में आग लगा दी। और क्योंकि हम फायर फाइटर्स थे, हमें कोई नहीं रोकने वाला था। सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ मिलिट्री बेस में और उसके बाद मैं हाइड्रा के शेल्टर में पहुंच जाता हूँ जहाँ पे काफी ज्यादा आग लगी हुई थी। तो मैं फटाफट उस आग पे पानी डालना शुरू कर देता हूँ और देखते ही देखते बेस पे जितनी भी आग लगी हुई थी वो बुझ जाती है और अब मैं सक्सेसफुली मिलिट्री बेस के अंदर आ चुका था, वो भी बिना किसी के शक के नजरों में आए हुए। अब वहाँ पे आर्मी के ऑफिसर्स आ गए थे और हाइड्रा की जांच कर रहे थे कि आग वगैरह लगी कैसे, और ये मेरे लिए सही मौका था अपने मेन काम को अंजाम देने के लिए। मैं अपने दोस्तों को फोन करके बोल देता हूँ कि मैं मिलिट्री बेस के अंदर हूँ, मैं टैंक को चुराने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले तो मैं आजू बाजू का जायजा लेता हूँ और जब मुझे कोई दिखाई नहीं देता तो मैं भागना शुरू कर देता हूँ। अब मुझे जल्दी से जल्दी उस शेल्टर को ढूंढना है जहाँ पे टैंक्स रखे हुए होते हैं और माविश के हिसाब से मुझे ग्रे सैंड कलर का टैंक चुराना था। और पूरे बेस में काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली मैं टैंक के शेल्टर में पहुंच जाता हूँ और टैंक बिल्कुल मेरे सामने ही था। सब कुछ चेक करने के बाद मैं फटाफट टैंक के शेल्टर के अंदर आ गया था। गनीमत थी कि यहाँ पे कोई भी नहीं था और मैं अब इस टैंक को चेक करने लगा। 5 मिनट तक तसल्ली करने के बाद कंफर्म हो गया कि यही वो टैंक है जो माविश ने मुझे चुराने के लिए बोला था। अब वैसे तो टैंक चलाने के कंट्रोल्स काफी ज्यादा हार्ड होते हैं पर मुझे टैंक्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी क्योंकि मैं डेली इन दिनों खेल रहा था वर्ल्ड ऑफ टैंक्स। और आपको भी वर्ल्ड ऑफ टैंक्स गेम खेलना चाहिए दोस्तों। वर्ल्ड ऑफ टैंक्स एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है जिसे आप अपने दोस्तों के साथ आराम से खेल सकते हो। इसमें आर्मर्ड मशीन, एडवांस वेपन्स और काफी सारे इंटरेस्टिंग लोकेशंस है। यहाँ आपको फ्री में बहुत सारे गेम मॉड्स, इन गेम इवेंट्स और 30+ मैप जैसे बहुत सारे फीचर मिलते हैं। इसमें बहुत रोमांचक टैंक्स की बैटल होती है और हर बैटल के बाद आपका एक्सपीरियंस गेन होगा जिससे आप अपने टैंक्स को अपग्रेड करके और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। इसमें आपको काफी सारे टैंक्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे जैसे लाइट टैंक, हेवी टैंक, स्नाइपर टैंक, इनमें से कोई भी टैंक्स चूज कर सकते हो और अपने हिसाब से आप इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हो। और साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी टैंक और वेपन इस्तेमाल हुए थे सारे के सारे टैंक और वेपन इसमें आपको मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात तो इसे कोई भी खेल सकता है और आप सभी
प्लेयर जो वर्ल्ड ऑफ टैंक्स डाउनलोड करने जा रहे हैं, अगर वो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलेगा टैंक क्रोमवेल बी, 250,000 क्रेडिट्स, 7 डेज प्रीमियम अकाउंट टाइम और 3 रेंटल प्रीमियम टैंक मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फिर दोस्तों देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए और मेरे प्रोमो कोड कॉम्बैट यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब इस टैंक को लेके मैं यहाँ से निकलने वाला था तभी मुझे पीछे से एक आवाज आती है की ओए फायर फाइटर, यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जैसे मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ मुझे पता चलता है कि दो आर्मी के सोल्जर्स मुझे घूरे जा रहे हैं और मुझसे बोलने लगते हैं ए फायर फाइटर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम जानते हो ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, अपने आईडी दिखाओ, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है, ए अपने हाथ ऊपर कर। अब इनकी बात मानते हुए मैं अपने हाथ ऊपर करता हूँ, जमीन के बल बैठ जाता हूँ। मेरे ख्याल से ये कोई आतंकवादी है, इसकी आईडी चेक करो। ओके मैं अभी चेक करता हूँ। अगर ये लोग मुझे पकड़ लेते तो मेरी असलियत सामने आ जाती जो कि मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता था। मैं फट से अपनी जगह से उठता हूँ और उस बंदे को जोर की लात मार देता हूँ और वो ऑफिसर बेहोश हो जाता है। बकअप ये क्या कर रहा है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता मैं उसे पकड़ लेता हूँ और उसकी हड्डियां चटका देता हूँ जिससे वो भी बेहोश हो गया था और मैं उसे एक स्लैम दे देता हूँ। फाइनली मैंने इन दोनों ऑफिसर्स को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन इससे पहले कि यहाँ पे कोई और आ जाए मुझे फटाफट अब टैंक को लेके यहाँ से निकलना है। मैं अपना फोन उठाता हूँ और अपने दोस्त को कॉल कर देता हूँ और मैं ये बोल देता हूँ उससे कि भाई तू तैयार रहे, मैं टैंक लेके आ रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं टैंक के अंदर बैठ जाता हूँ और वर्ल्ड ऑफ टैंक्स खेलने की वजह से कंट्रोल्स तो मुझे आते ही है, तो मैं टैंक को स्टार्ट करता हूँ और उसे मैं बाहर ले आता हूँ। अब टैंक को बेस से बाहर निकालना था लेकिन मिलिट्री वाले तो इसे बाहर ले जाने नहीं देंगे हमें, पर इसका सोल्यूशन भी मैंने सोच रखा था। मेरा दोस्त एक कार्गो बम हेलीकॉप्टर लेके आ रहा था और इसी के जरिए हम टैंक को यहाँ से लेके जाने वाले थे। मेरे दोस्त ने हेलीकॉप्टर का हुक टैंक में अटकाया और उसके बाद हम एयरलिफ्ट करके टैंक को हेलीकॉप्टर से ले जाने लगे, पर एक दिक्कत हो गई थी, टैंक हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा भारी हो गया था और हवाएं भी काफी ज्यादा चल रही थी। मैं बुरी तरीके से डर रहा था क्योंकि टैंक हवा में इधर से उधर हिल रहा था। मेरा दोस्त पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था कि वो कार्गो को संभाल ले और काफी कोशिश करने के बाद फाइनली वो कार्गो को संभाल लेता है और हम अपना हेलीकॉप्टर लेके टैंक को वहां से निकल पड़ते हैं और अब हम सीधे जा रहे थे मावेश के पास इस टैंक को डिलीवर करने के लिए। 2 घंटे के बाद फाइनली मावेश की बताई हुई जगह पे हम लोग पहुंच जाते हैं और मावेश एक टापू पे हमारा इंतजार कर रहा था। उसके बाद मेरा दोस्त फाइनली टैंक को ड्रॉप कर देता है और हम लोग पहुंच गए थे मावेश की बताई हुई जगह पे उसको टैंक डिलीवर करने के लिए। अरे वाह साला, इसने तो कर दिखाया रे। ये मिशन भयानक तो था पर खुशी इस बात की थी कि ये कंप्लीट तो हुआ। फिर उसके बाद मैं टैंक से बाहर निकलता हूँ और टैंक से उतर के मैं सीधा मावेश के पास चले जाता हूँ और मैं उसे बोलने लगता हूँ, जैसे तूने बोला था मैं तेरा टैंक ले आया, अब प्लीज मुझे आगे कोई काम करने के लिए मत बुलाना। ये सुन के मुझे मावेश शाबाश बोलता है और उसके बाद अपने पंटर को बोलता है कि टैंक में से जाके एक चिप निकाल के लेके आओ। और फिर मुझे मालूम पड़ता है कि मावेश को तो टैंक का कुछ काम ही नहीं था, इसके अंदर लगे हुए बस उसे एक चिप चाहिए थी। अरे मैं चाहता था देखो बोलता कि सिर्फ चिप लेके आ, पर मेरे को तेरी काबिलियत देखनी थी रे, तूने तो कमाल कर दिया आज। बॉस मैं चिप ले आया, ये रही आपकी चिप। ये सब देख के मेरा दिमाग फिर गया था और मैंने बोला कि चलो भाई मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों को जो करना है करते बैठो, तेरी जरूरत फिर पड़ेगी रे, कभी ना कभी तो आएगा तू वापस। ये देख के लग रहा था कि मावेश तो मेरा पीछे इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला, लेकिन मैं इसके लिए गुलामी अब और नहीं करने वाला, अगली बार मावेश को सबक सिखाने के लिए मुझे तैयार रहना होगा। और फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त के कार्गो बॉब में बैठ जाता हूँ और उसे बोलता हूँ भाई लेके चलो घर। ओके भाई लेट्स गो। और इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को दोस्तों पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और 10,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं अपन, जल्दी से नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।